आदि पुरुष के टीजर के बाद प्रभास भी इस वीडियो में काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। अब वो किस चीज पे गुस्सा है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इजी गेस तो यही है आदि पुरुष के घटिया टीजर की वजह से। लेकिन इस टीजर में VGI और VFX की ही प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो इस मूवी को घटिया बनाने के लिए काफी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि पुरुष की 15 प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, CGI एंड VFX, जिसे विजुअल इफेक्ट भी कहा जाता है। इतने बड़े बजट की मूवी अगर कार्टून मूवी जैसी दिखने लगे तो सबको प्रॉब्लम तो होगी ही। अगर इस मूवी का बजट कम होता तब तो हम मान सकते थे कि इसमें इतना घटिया CGI यूज हुआ है, लेकिन 500 करोड़ का बजट होने के बाद भी किसी ने भी इस मूवी की ऐसी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी। 7 साल पहले आई मूवी बाहुबली फर्स्ट 180 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन उस मूवी के CGI VFX इतने कमाल के हैं कि बाहर की कंट्रीज के एक्सपर्ट भी उसकी तारीफ करते हैं। इस मूवी के CGI और VFX को हम और रोस्ट करेंगे, लेकिन आगे चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रभास ने इस मूवी के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और बाकी बचे 400 करोड़ में से आधे CGI और VFX पे यूज हुए हैं। इतनी बड़ी हिपिक स्टोरी के लिए अगर किसी दूसरे एक्टर को भी लिया जाता तो वह 10 से 12 करोड़ रुपए ही चार्ज करता और बाकी बचे पैसों में CGI और VFX पे बढ़िया काम हो जाता। लेकिन अगर आपको बड़ा एक्टर भी चाहिए और CGI भी अच्छे हो तो इसमें 500 करोड़ से ज्यादा का बजट तो होना ही चाहिए। इस मूवी के छोटे से टीजर ने ही इतना बवाल मचा दिया है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस मूवी के अंदर चैरेक्टर के नाम भी चेंज हुए हैं। राम की जगह इस मूवी में प्रभास राघव का रोल प्ले करेंगे, वहीं सीता माता का नाम यहाँ पे जानकी कर दिया गया है और रावण का नाम लंकेश रखा गया है। ये सब करना एक यूनिक डिसीजन था, लेकिन मूवी देखने के बाद सब लोग इसे गलत बताएंगे। ये तो सबको पता ही है कि प्रभास एक सुपरस्टार बन चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हर रोल के लिए परफेक्ट होंगे। श्री राम के लिए अगर कोई और एक्टर होता तो काफी बेटर होता। सैफ अली खान को रावण के एक्टर के रूप में लेना एक यूनिक डिसीजन था, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी और एक्टर को लेना चाहिए था जिसकी बॉडी और बिल्ड अच्छी हो, जो रावण जैसे लार्जर एक्टर को काफी अच्छे से निभा सके। आदि पुरुष के टीजर के बाद सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वो इस मूवी के कैरेक्टर के लुक्स को। प्रभास का राम का लुक राम कम दुर्योधन ज्यादा लग रहा है। श्री राम एक अमेजिंग वॉरियर तो थे ही, लेकिन उनका काम प्रभास नहीं दिखा पाए और वैसे भी हनुमान जी के लुक को एक ऑथेंटिक लुक ना देकर एक अलग ही लुक दे दिया गया है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और रावण की लुक तो बिल्कुल ही बेकार है। वैसे कुछ दिन पहले मैक्स क्रिएशन नाम के इंडियन क्रिएटर ने खुद ही रावण की लुक्स को चेंज किया है और ये लुक अगर इस मूवी में होता तो इस टीजर की काफी ज्यादा तारीफ हो रही होती। आप साइड बाय साइड खुद ही कंपैरिजन करके देख लीजिए कि रावण कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, और इसी क्रिएटर ने रावण के बाद हनुमान जी के लुक को भी मॉडिफाई किया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि हनुमान जी का ये लुक कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। आदि पुरुष मूवी में ओरिजिनलिटी कम, कॉपी किए हुए सीन ज्यादा थे। आप इस वार्नर सेना वाले इस सीन को ही देख लो जो डिक्टो इस सीन से मिलता है, और वहीं रावण का सीन थोर मूवी से कॉपी किया हुआ लगता है। और एसगार्ड को अगर कॉपी करना ही था तो उसे ऐसा ही गोल्डन रहने देना चाहिए था ताकि वो एक सोने की लंका ही लगे, ना कि एक भूत बंगला। ओम रावत ने आदि पुरुष मूवी को एक बहुत बड़े विजन से बनाया था और वो इस विजन में फेल नजर आ रहे हैं। 500 करोड़ रुपए इतनी बड़ी स्टोरी को बनाने में काफी कम लग रहे हैं, और आप सारे सीन CGI रखना चाहते हो तो 500 क्या हजार करोड़ भी कम है। ओम रावत ने इस मूवी की विजुअल इंस्पिरेशन 300 मूवी से ली है, वो मूवी भी मैक्सिमम CGI पे डिपेंड थी, लेकिन दोनों का फर्क आप साफ साफ देख सकते हो। और ये 300 मूवी 2006 में आई थी और उस टाइम इसका बजट लगभग 600 करोड़ था, और आदि पुरुष की टीम ने 500 करोड़ कार्टून VFX बनाने में वेस्ट कर दिए। अगर 500 करोड़ इस मूवी के लिए कम पड़ रहे थे तो बाहुबली की तरह ही इस मूवी को 2 या 3 पार्ट में बनाया जाता। अगर ऐसा डिसीजन लिया जाता तो CGI का रोल इस मूवी में श्योरली काफी ज्यादा अच्छा होता। CGI पे डिपेंड होने वाली बहुत सी CGI मूवी हमने देखी है, लेकिन उस करेक्टर को पहले रियल करेक्टर ने मोशन सूट पहन के कैप्चर किया था और फिर उन्हें CGI और VFX की मदद से मॉडिफाई किया गया था। बहुत ही पॉपुलर मूवी एवेंजर्स में थानोस के करेक्टर को पहले कैप्चर सूट से कैप्चर किया गया था, और 2013 की मूवी राइज ऑफ द पैनिक ऑफ द एप्स में भी सभी एप्स की एक्टिंग और मोशन कैप्चरिंग भी खुद ही दी थी, और जिस वजह से हमें काफी इपिक के सीन्स देखने को मिले थे। और 2011 में बनी ये मूवी 600 से 700 करोड़ के बीच बनी थी। आदि पुरुष की टीम अगर प्रोडक्शन के टाइम मोशन कैप्चरिंग का फैसला लेती तो आज पूरी दुनिया इस मूवी को देखने के लिए बेताब होती।
आदि पुरुष मूवी में CGI और VFX सीन इंडिया की कंपनी ने ही एडिट किए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में काम करने वाली CGI और VFX की टीम अच्छी नहीं है। लेकिन इतनी ग्रांड स्टोरी को बाहर के CGI और VFX एक्सपर्ट ने मिलकर बनाया होता तो ये मूवी टोटली अलग और अमेजिंग विजुअल के साथ हमें देखने को मिलती। वैसे हाल ही में आई मूवी ब्रह्मास्त्र के VFX को इंडिया की प्राइम फोकस कंपनी ने संभाला था और उसका अमेजिंग रिजल्ट तो आपको पता ही है। रावत ने बताया कि इस मूवी की स्टोरी उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे लिखी थी और सिर्फ 2 साल बाद ही उन्होंने ये मूवी बना डाली और इसी जल्दबाजी का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेकार आया है। ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी बहुत लोगों को पसंद आई थी और कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लगी थी, लेकिन सभी इस बात से एग्री तो करेंगे कि ब्रह्मास्त्र मूवी के विजुअल, विजन, VFX और CGI तो कमाल के थे ही, पर ऐसा रिजल्ट लाने के लिए ब्रह्मास्त्र की टीम ने 10 साल से ज्यादा का टाइम लगाया था। वहीं हॉलीवुड की बिगेस्ट हिट फिल्म अवतार को 15 साल की मेहनत के बाद बनाया गया था और उसका दूसरा पार्ट भी हमें अब 13 साल के बाद देखने को मिलेगा। बेसिकली मुझे लगता है कि ओम रावत को अपनी टीम को 2-4 साल का वक्त इस मूवी को और देना चाहिए था। रामायण पर बन रही मूवी का नाम रामायणी होना चाहिए था और अगर मूवी का नाम आदि पुरुष ही रखना था तो सब हेडिंग में रामायण या उससे रिलेटेड कुछ चीज होनी चाहिए थी। लेकिन आदि पुरुष मूवी की सब हेडिंग है सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इसकी जगह अगर आदि पुरुष द स्टोरी ऑफ द रामायण लिखा गया होता तो काफी अट्रैक्टिव और अच्छा होता। ओम रावत ने बताया था कि आदि पुरुष मूवी में रामायण का एक मॉडर्न टेक होगा, जिसे सुनकर हमें काफी अच्छा भी लगा था। लेकिन आप मॉडर्न टेक के नाम पर सब एक्टर्स का लुक ही चेंज कर दोगे, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। रामानंद सागर की टीवी सीरीज बहुत सालों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और इस सीरीज के कैरेक्टर का कंपैरिजन आदि पुरुष के साथ तो होना ही था। किसी भी टीवी सीरीज को मूवी से कंपेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन इस मूवी का टीजर इतना बुरा होगा तो कंपेयर करना तो बनता है। परमानंद सागर की टीवी सीरीज में सभी कैरेक्टर परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी इस सीरीज की आज काफी तारीफ होती है। और इस टीवी सीरीज की सबसे बड़ी कमी थी विजुअल इफेक्ट्स, जो उस टाइम पॉसिबल नहीं थे। और आदि पुरुष मूवी के लिए मैं इसीलिए एक्साइटेड था कि रामायण की स्टोरी को एक मॉडर्न टेक मिलेगा, लेकिन मॉडल विजुअल ट्रीटमेंट के नाम पर तो एक्टर्स के लुक को ही चेंज कर दिया गया। आदि पुरुष जनवरी में रिलीज होने वाली है और 2 महीने में इस मूवी को इम्प्रूव किया जाएगा ये तो इम्पोसिबल है, और इसे चाहे कुछ महीनों या 1 साल के लिए डिले कर दिया जाएगा तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी ओम रावत का कहना है कि एक छोटा सा टीजर देखने के बाद ये कहना कि मूवी बेकार है, ये कहना ठीक नहीं है। अभी इस मूवी का 3D टीजर भी लॉन्च हुआ था और इस टीजर की बहुत से लोगों ने तारीफ भी की है। अब आदि पुरुष मूवी तो जनवरी में रिलीज होगी, लेकिन टीजर आने से पहले हम आदि पुरुष मूवी के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब एक्साइटमेंट बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अब दूसरी होप डिज्नी हॉटस्टार की महाभारत को लेकर है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।